हजरात हिना नियाजी और जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं सिंध के एक इम्तिहानी सेंटर में जहां बूटी अरूज पर है। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं कैसा पेपर आ गया आज। लगता है मुझे कुछ भी नहीं बनेगा हमारा। अस्सलाम वालेकुम। उधर भी घूमे, मेरे ही सर पे बैठे हुए हैं। किस चीज का एग्जाम है आप लोगों का? पाक स्टडी। तू चुप कर, तू तो पता नहीं कैसे बूटियां मार के पास होगी, हमें तो मेहनत करने दे। जी जी, जिस तरह आपने पाक स्टडी बोला है ना, लग ही रहा है कि आप मेहनत काफी करके आए हैं। अच्छा स्टडी को छोड़, तू एडी ना बन मेरे सामने, तेरी मेहरबानी। सुजैन, जहीरुद्दीन बाबर कौन था? मुझे लगता है क्रिकेटर होगा। हाँ बस इधर फिर मैं गेंद और बैट बना देता हूँ। कन्फर्म बताओ ना, मैंने लिखना है इस पे। अच्छा मैं पूछ के बता दूँ। ये जहीरुद्दीन बाबर कौन है? जहीरुद्दीन बाबर का तो पता नहीं, वैसे बाबर मेरा फ्रेंड है। आप इधर क्या लिख दूँ मैं कि बाबर तुम्हें आइसक्रीमें खिलाता है, पूरे कराची की सैर करवाता है, ये लिख दूँ? मेरे ख्याल में बाबर गोरी का बेटा है। हाँ बाबर गोरी का बेटा है। पूछ के बताती हूँ। हाँ हाँ जल्दी पूछो। पेपर खामोशी से हल करें प्लीज। टाइम नहीं है मेरे पास। भाई बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट लग रहे हैं, लगता है टॉप करेंगे। सुनिए ये जहीरुद्दीन बाबर कौन था? नो कमेंट। मैंने कहा है ना एग्जामिनेशन आपसे बातें नहीं करते। ओ थैंक यू। हाँ करे आस्ता करे। सर जी एक एक्स्ट्रा शीट दीजिएगा। ये लीजिए। wow. लिखने के लिए नहीं सर, बाहर चावल बांट रहे हैं, वो लेने जा रहे हैं। अबे तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। अबे बैठ बैठ। भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में है, एक डेकोरम होता है हर जगह का, क्या कर रहे हैं आप लोग? आधे तुम ले लेना, जाने तो दो। अच्छा एक बात बताओ जी, हम तो अभी स्टूडेंट है ना, आप तो खैर ओल्ड सिटीजन हो गई हो। आपके दौर में जब आप पढ़ती थी, बूटियां शूटियां लगती थी, नकल होती थी या नहीं? भाई नकल होती थी नहीं होती थी इस बात का मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी नकल की है ना मुझे शौक था। मेहनत करके जितने भी मैंने मार्क्स लिए हैं, फर्स्ट डिवीजन हमेशा लिए है, ए ग्रेड लिए है, अपनी मेहनत से ही लिए। तुम्हारे जैसी लड़कियां जब घर जाके यूनिफॉर्म उतारती हैं ना, तो सॉक्स में से बूटियां गिरती हैं। सीनियर सिटीजन जरा मुझे एक बात तो बताएं। आपको बुला रही है? उनको नहीं आपको कह रही हूँ। अच्छा जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो टेक्सिला में किस सन में आए थे? मेरा ख्याल है वो कन सन में आए थे, इसलिए हमें पता नहीं चला। एस ए एन लिखना, एस ओ एन ना लिख देना, कन सन। सर जी जी एक एक्स्ट्रा शीट दीजिएगा। ये ले, ये ले, लिखने के लिए? नहीं सर, किश्ती बना के पानी में छोड़ूंगा। सर आपको पता है हिस्ट्री का पेपर है, इसमें एक्स्ट्रा शीटें तो लगेंगी, इसके जवाब बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। अच्छा अच्छा पकड़ो, ज्यादा बातें नहीं करो। भाई पहली बात तो यही, कैसे स्टूडेंट्स हैं इनको ये भी नहीं पता कि कश्ती होता है किश्ती नहीं होता। दूसरी बात काफी शीट्स ले रहे हैं वैसे आप। इसको नजला रहता है ना। सुनिए जी ये पहला स्कूल सिकंदर आजम ने बनाया था या चौधरी परवेज इलाही ने? ये तो मुझे पता नहीं है किसने बनाया था, मगर ज्यादा इश्तिहार जो है ना चौधरी परवेज इलाही ने दिए थे। फलक सिकंदर आजम ने स्कूल बनवाया था इसका तो पता नहीं, अलबत्ता जब वो यहाँ से गया था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। यानी कि सिकंदर आजम पे नैब का कोई केस नहीं बना? फलक ओए फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ। तुम चुप नहीं करते सर। ओ ओ आधी डब्बी सिगरेट की ला दे। नहीं नहीं आपके हैं। हाँ 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 शाबाश शाबाश, करो करो, पढ़ोगे नहीं तो बड़े अफसर कैसे बनोगे? बड़ा अफसर बनूंगा तो ये वाले 50 नहीं छोड़ूंगा। जब से आप आए हैं फर्स्ट सीट पर ही बैठे हैं, मुझे लगता है आपको आज आ कुछ नहीं रहा। नहीं मैं सीट पे नहीं बैठा, बैठा तो मैं सीट पे हूँ। ये मैं हल कर रहा हूँ पर्चा। हल पता कैसे होता है? कैसे? हे लाम हल। दानियाल हाँ जी, ये झांसी की रानी को पहला झांसा किसने दिया था? आपको ही पता होगा, आपसे काफी छोटी थी वो। आप आज बड़ा अच्छा तैयार होके आई हुई है भाई। वो एक्चुअली कहीं तैयार होने का मौका नहीं मिलता ना इसलिए। और इसके बाद ना मैंने एक एड की शूट के लिए भी जाना है। ओह रियली वाओ, कौन सा एड है? चिंग ची का। उसमें भी मॉडलिंग नहीं कर रही, मूछें रख के खुद चलाती है। सर ये लो सारी रख लो, और तो कोई मांग नहीं रहा। सारी क्यों रख लूं सर, मैं स्टूडेंट हूँ, रद्दी लेने वाला हूँ। काम करो। ये देखें ये जो हमारे पीछे बैठी हुई है ना जी, अभी तक 10वीं में फंसी हुई है।
इसकी बेटी ने PhD कर लिया। ये कैसे स्टूडेंट्स हैं? किसी को ये ही नहीं पता कि ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल खानदान का बानी था, किसी को ये ही नहीं पता कि अलेक्जेंडर ने एशिया में स्कूल की बुनियाद रखी थी। भाई कल को ये लोग किसी औहदे पर जाकर बैठेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा? बड़ी समझदार बनी हुई हो तुम। किसी को ये नहीं पता अलेक्जेंडर ने स्कूल बनाया, किसी को ये नहीं पता क्या हुआ। इतनी समझदार हो ना तुम तो ये बताओ, मेरी जो फुफो की लकड़ी की टांग है, बताओ वो कौन सी लकड़ी है? चीड़ की लकड़ी। ऐसे ही चीड़ की, संदल की है। चीड़ की लकड़ी में से फुफा को बदबू आती है। आइए सर, आइए। जी जी जी, तशरीफ लाइए। आइए भाई, कौन लोग हैं आप? यहाँ तालीमे बालगा की क्लास नहीं हो रही बल्कि एग्जाम हो रहा है। अरे तू इधर बैठकर प्रचार कर रही है, तू कौन सा कायम अली शाह की बेटी है? और मोबाइल भी साथ रखा। अरे डिजिटल बूटी, डिजिटल बूटी हो रही है। देखो सर, कब्ज़े चलो ना, कब्ज़े चलो, वो लो लो लो। तू अपना पानी की डेग पे ऐसी तुसी ले लेना मेरा। भाई शोर मत कर, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं। प्रोग्राम होस्ट हूँ हिना न्याजी। वो बाद में बात कर, अगर इतने सारे बच्चों को चेक करना था तो इनको मेरे घर ही ले आते। भाई आप लोग कौन हैं? जी मुझे नहीं जानती आप? मैं कंट्रोलर इम्तहानात हूँ। ये है कंट्रोलर इम्तहानात और मैं हूँ डिप्टी कंट्रोलर इम्तहानात। भाई आप लोग देख नहीं रहे कि सिंध में बूटी माफिया रूज पर है? सारे बच्चे यहाँ चीटिंग कर रहे हैं, नकले कर रहे हैं। आराम से बात बैठकर करें, हम कौन सा तुम्हारे साथ झगड़ रहे हैं? कल को ये बच्चे जब कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और कल को कहीं पे इनकी नौकरियां लगेंगी तो कैसे हमारे मुल्क को सर्व करेंगे? सर ये जो नेपोलियन था ये जड़ावाला से था। अरे अगर एग्जैक्ट लोकेशन का मुझे पता होता तो मैं कंट्रोलर इम्तहानात होता। सर जिन्ने भी दुनिया ते ज़हीन आदमी पैदा होए ने ना, ये सारे कहंदे ने जी गाजियाबाद दे। सर क्या बात कर रहे हैं, नेपोलियन का पूछा है? कुछ ख्याल करो, कंट्रोलर इम्तहानात हैं, अगर इन्होंने तुम्हें सजा दी तो 5 साल पाबंदी लग जाएगी। अच्छा मैं भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह मशहूर हो जाऊंगा। तेरे को समझ नहीं आ रही, 5 साल इम्तहानात से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। फिर तो अच्छा है सर, अब्बा जबरदस्ती स्कूल तो नहीं भेजेंगे और मैं फिर ता हयात नलायकों का सरबरा बन जाऊंगा। सबके जाऊं तुम पे, नायक नहीं नालायक हूं मैं। आए सर जरा राउंड करें, राउंड करें। जी जी आए, आए। सर अबे तुम भी यहाँ बैठी हो, ये तो मेरी बचपन की क्लास फेलो नहीं है। सर यहाँ मैं स्टूडेंट मशहूर हूँ। पढ़ो पढ़ो और सबको बख्शो। कमाल है भाई, तेरे ते थाने च 4 पर्चे ने, तू इत्थे पर्चा देन बैठी है। देवा माई दे मकान ते कब्जा कीता इन्हें जी, पूरे महल्ले नू कहंदी है मेरी सस। आओ अगे आओ, अगे आओ। आइए सर, आइए आइए। इधर तो देखो। हाँ हाँ जी, लाहौर कलंदर नू बाहर कढ़ के आप इम्तिहान च बैठा है। अपने पेपर पर ध्यान दो। आए इधर आ गए आए। ए देखो सर, हाँ जुआले शैम्पू दी मॉडल। और देखो क्या लिख रही है, मैं नागिन नागिन डांस नचना। सर सर आप लोग उधर चले गए, ये मेरे को बोल रही है तुम्हारा पेपर मैं हल कर देती हूँ, मेरा बीड़ धो लाओ। चलो कोई ऐसी बात नहीं है, भीड़ में ऐसी बात हो जाती है। और तुम्ही को दो को सवाल कर ला, ओदो दी ऊंट दी फोटो ही बनाई जा रहे हैं। सवाल ये है कि रेगिस्तान के जहाज की तस्वीर बना रहा हूं, वही तो ऊंट ही है। अच्छा इधर आ गया। सर सर ये देखे, ये क्या लिख रही है, एलोवेरा चेहरे की झुर्रियां खत्म कर देता है। ओहो, इस उम्र में एलोवेरा इस्तेमाल करो या एवोकाडो, चेहरे की झुर्रियां खत्म नहीं होती। मतलब जी कोई कमेडियां कमूडियां पो, तुसी इस उम्र च क्यों अपने बुढ़े हड रोलन रहे हो? बाबा इधर इनका पेपर भी देखो और इन दोनों को भी देखो। और सर मुझे पीछे बैठे हुए भी देखो। देखो मुन्ना MBBS तो बाद मुन्ना एटम बम बनना चाह रहे हैं। क्यों डिसाइड कर रहे हैं मुझे? स्टडी का पेपर हल कर रहा हूं। तेरे हाथ से कोई पाक चीज नहीं देता, तू इतना स्टडी कर रहे हैं? इधर देखो, इनके माँ बाप इन पे पैसे खर्च कर रहे हैं और ये पेपर हल कर रहे हैं। ये देखो लिखा है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। अब इस पेपर के नीचे लिखना, कंट्रोलर साहब को मिल। सर ये देखें, ये वाली स्टूडेंट क्या लिख रही है? क्या? ये देखें, भिंडी की लेस से फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाती है। कहाँ होगी तुम्हारी एड़ियां ठीक, जितनी मर्जी एड़ियां रगड़ लो।
छुट्टी छुट्टी हो गई। अबे नहीं बैठो बैठो, कौन सी छुट्टी हुई है? ये कुकू की आवाज आ रही है। आराम ना बैठो, कोई छुट्टी नहीं, रमजान आ रहा है। एक कुकू वाले अपना साउंड चेक कर रहे ने। मीडिया यहाँ पे पहुंच चुका है, इम्तिहानात का जायजा लिया जाएगा, सारी रिपोर्ट आवाम को बताई जाएगी। मटकू मियां, मीडिया यहाँ पहले से ही मौजूद है। वाह भाई, मीडिया बड़ा जो है वो तरक्की कर रहा है, चौथी जमात की लड़कियों को भी भर्ती कर रहे हैं भाई, बड़ी बात। उधर जाके बैठ छोकरी, दोस्त तेरी मैं बातें सुनता। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मीडिया से? हाँ। नोरेज सोलंगी मामू है मेरे। ना कर। उन्होंने कहा था मीडिया वाला आके तेरा पर्चा हल करवा देगा। आ, यार उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान आते हैं। ये फिर थोड़ा सा हल करवा दीजिए। मैं खुद करूंगा। चुप, ओके, तेरा पर्चा मैं खुद हल करूंगा। बस टेंशन नहीं ले, मैं करूंगा। पहले मेरे को जरा दोस्त जमाने दे। ओके, नोरेज सोलंगी बोल रहा है। कैसी डीलिंग हो रही है यहाँ पे भाई? क्या हो गया? नहीं, मैं तो बता रही हूँ उनको कि अच्छा हुआ आप आ गए, इधर बूटियां चल रही हैं, नकले हो रही हैं इधर। एक मासूम बच्चा अगर मेरे से सवाल करे, ठीक है, मैं उसको जवाब नहीं दूं? क्या ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी? तू यहाँ पे अपनी टांग क्यों अड़ा? अच्छा पीएन, जाके जो है वो कंट्रोलर इम्तिहानात को पहले बुला के जल्दी जा। जी सर, मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोलर इम्तिहानात मैं हूँ। अच्छा आप हैं जी? ओके ओके, मुझे बताइए कि यहाँ पे देखिए मीडिया में ये भाई नोरेज सोलंगी। अरे याद है, चुप कर जाओ। वो तुम्हारा कर्जा है, कर्जे की बात है, उसने नोरेज ने मेरे पैसे दे। अरे कंट्रोलर साहब, आप भी देखिए कुछ सख्ती करें, यहाँ पे मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ये खबरें जा रही है कि यहाँ पे पहले पर्चे जो है वो आउट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इम्तिहान सेंटर में फर्रे चल रहे हैं, कापी हो रही है, बूटी सिस्टम आना है। यार ऐसा तो नहीं करो, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है यार, नकलें करेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, बाकी आजकल के बच्चे नकलें बहुत मार रहे हैं। इंडियन हीरोज को देखकर कोई बॉडी बना रहा है, कोई बार बना रहा है, कोई दाढ़ी मूछे बना रहा है। अरे इन बच्चों को सोचना चाहिए। बाकी कंट्रोलर इम्तिहान है या फिर? हाँ हाँ बाबा, नहीं यकीन तो मेरा राशन कार्ड देगा, मतलब आईडी कार्ड देगा। 18वीं तरमीम के तहत ये तो बहुत अच्छा हुआ कि एजुकेशन सिस्टम सूबाई दायरा कार में आ गया। अब वफाक का ये कहना है कि सूबों की जिम्मेदारी है कि एजुकेशन सेक्टर का नज्मो नक्स ऐसन तरीके से चलाएं। वाह भाई वाह, इतनी यहाँ पे तूने तकरीर कर दी है। अब ये भी बता दे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और सबसे ज्यादा वो कौन सा सूबा है जो एजुकेशन बजट पे लगा रहा है? केपी के सबसे ज्यादा बजट एजुकेशन पे लगा रहे, 167 बिलियन रुपीस। ये टोटल बजट का 20% है। क्या बात है भाई, ये तो फिर सिंध को भी लगाना चाहिए। लेकिन हमारे सूबों में सिलेबस की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब हर जगह पे एक जैसा तालीमी निजाम होना चाहिए, ताकि बच्चों को स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन जो है वो आसानी से हो सके। उसके अलावा मुल्क में हम आहंगी हो, खुशहाली हो, हार्मनी हो, प्रोस्पेरिटी हो। भाई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत नहीं है, ये बातें मैं आज से 30 साल पहले पढ़ चुका हूँ और लोगों को प्रचार भी कर चुका हूँ, बल्कि मैंने तो लाभ ही किया यार कि ये तो सारे सूबों को जो है वो अपना तकरीबन 20-30% जो है बजट अपना इस पे एजुकेशन पे लगाना चाहिए। और छोकरी तो यहाँ पे केपीके का जिक्र कर रही है, ठीक है वो इतना बजट लगा रहे हैं, लेकिन अरे भाई हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। ये यहाँ पे मेहनती देखो, शक्लों से ही लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर नूर चेक करो। अच्छा मैं अभी आपको एक मुजाहरा दिखाता हूँ। चुरा, हेलो, बता बाजी को के क्या नाम है, सोमनाथ का मंदिर किसने गिराया था? उस्मान बुजदार ने गिराया था। अभी दीवारें आधी आधी तोड़ी थी तो अदालत ने फिर स्टे दे दिया। वाओ, अब देखा आपने, आपके बच्चे कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। अरे कोई बात नहीं शोरी, कभी कभी मिस फायर भी हो जाता है। उठ उठ ना ना, मैं जाऊं छुट्टी। चल छुट्टी अभी मैं कराता हूँ, सोलंकी को मैं बताता हूँ, रुक जा। नोरेज, 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 सॉरी, ये चेक कर कैसा पर्शियन पंच्ड फेस बिल्ली जैसा इसका मुंह। हाय हाय हाय, इसका दिमाग, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल तू चेक कर, शक्ल बता रही है। अभी देख मैं इससे इतना इंपॉर्टेंट सवाल करता हूँ, तेरे को फर-फर जवाब देगी। अच्छा ये मेरे को पहले बता कि तेरा नाम क्या है? सुजैन। हाय सुजैन तितली, एक काम कर, फोन ऑन कर। अच्छा नहीं, ये तो हम हनी सिंह पे चले गए। अभी आप जो है आंटी को एक ऐसा वतन की मोहब्बत का सांग सुनाओ कि इसके अंदर भी जज्बा जो है वो और बढ़ जावे। सुना दे, सॉरी सुना दे। साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं, कभी तो जानेगी, साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी। चुप
करो चुप करो। ये होता है वतन से मोहब्बत का इजहार। साली तो मानी नहीं, कभी तो अभी पहचान। ये होता है मोहब्बत वतन से इजहार। हाँ ये देखें सर, ये कह रही है एग्जामिनेशन हॉल में मुझे टाइम लग जाएगा, मेरे नवासे को कहना आज लेने लेट आए। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।